यूं तो हरियाणा परिवहन विभाग पहले से ही घाटे में चल रहा है, लेकिन रोडवेज के परिचालक भी विभाग को चूना लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। दरअसल रोडवेज के परिचालकों ने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रोडवेज को लाखों का चूना लगा डाला। बताया जा रहा है कि जब इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो इसमें सिरसा, फतेहाबाद और हिसार डिपो के परिचालकों के नाम निकलकर सामने आए। चलिए अब आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से परिचालक कैसे परिवहन विभाग को चूना लगाते थे। सिरसा डिपो के जनरल मैनेजर कुबीराम कौशल ने बताया कि सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के परिचालकों द्वारा 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें से एक का व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भाई भाई और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम कोविड-19 रखा गया था। दोनों ग्रुपों के माध्यम से परिचालक जीएम और रोडवेज चेकिंग स्टाफ की लोकेशन ग्रुप में शेयर किया करते थे। उसके बाद परिचालक अपनी बस में सवारियों के हिसाब से पूरी टिकट काट देते थे। वहीं चेकिंग के बाद भी कोई भी कमी निकल कर सामने नहीं आती थी। रिसीट का आकलन किया, यातायात आएगा कि इतनी कमी कैसे आ रही है, क्योंकि हमारा कंपटीशन हर एक डिपो से होता है आपस में। तो फिर उसके बाद मैंने निरीक्षकों की एक मीटिंग बुलाई चेकिंग स्टाफ की कि आप कम रिसीट आने का कारण बताएं। तो उन्होंने बताया कि जब हम जाते हैं तो परिचालक को पहले ही पता चल जाता है कि फला जगह की टीम फलाना जगह खड़ी है। तो इससे क्या है कि फिर शंका पैदा हुई हमारे दिमाग में। तो फिर इसको हमने अपने रिलायबल सोर्सेज से पता किया तो पता चला कि कोविड-19 के नाम से कोई ग्रुप चला हुआ है, कोविड-19 और भाई भाई 2 ग्रुप चले हुए हैं, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार 3 डिपो कनेक्टेड हैं। तो उसके बाद मैंने किसी की ड्यूटी लगाई या किसी के गुप्त सोर्सेज से अपने से, तो पता चला कि इसमें काफ़ी कंडक्टर इन्वॉल्वमेंट है। तो उसमें से 28 कंडक्टर सिरसा डिपो के मिले हैं। तो 5 जो एडमिन थे, 5 एडमिन को मैंने सस्पेंड कर दिया है और 23 को अंडर 7 चार्जशीट जारी की गई है। और अगर भविष्य में भी इस प्रकार के अगर स्कैंडल हुए तो हम उनको पकड़ेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। मामले को लेकर खूबीराम कौशल ने बताया कि दोनों व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन सिरसा डिपो के 5 परिचालकों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 23 परिचालकों के खिलाफ चार्जशीट बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खूबीराम कौशल ने बताया कि फतेहाबाद और हिसार डिपो के जनरल मैनेजर को भी इस बारे में जल्द ही डिटेल भेजी जाएगी, ताकि उन दोनों डिपुओं के परिचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।